सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं सिखाने वाला हूँ आप कैसे यूज कर सकते हैं सी एस एस इन साइड रिएक्ट। और इस ट्यूटोरियल के लिए मैं फिर से रिएक्ट सी डी एन यूज कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं रिएक्ट सी डी एन में मैंने अभी प्रोडक्शन मोड ऑन किया, जो एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन मोड अगर मैं अभी ऑन करूँगा तो मुझे एरर मैसेजेस नहीं मिलेंगे और मैं डिबग नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे एरर मैसेजेस चाहिए, तो अभी मैं अभी यह हटा देता हूँ और अब मुझे एरर मैसेजेस मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए ये बस हेलो रिएक्ट सी डी एन रेंडर करता है, पर मैं अभी इससे बटन रेंडर करूंगा और मैं क्लास यूज करने वाला हूँ बी टी एन। तो यहाँ पर अगर हेलो बटन, तो अगली अगर मैं ये करके गो लाइव क्लिक करूँ तो आप देखिए अभी खुलेगा मेरा मेरा ब्राउजर और वहां पर वो डिस्प्ले होगा। अब देख पा रहे होंगे सर, क्योंकि मेरे वहां पर बटन डिस्प्ले हो चुका है। तो अभी हम इस बटन को अगर क्लास दे तो वो क्लास एक्चुअली काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं बटन क्लास बीते हैं, तो आई शुड एक्चुअली प्रोबेबली सी एरर मैसेजेस इन द कंसोल। हां, तो आप देख सकते हैं इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डू यू मीन क्लास नेम। यस, हम जब रिएक्ट यूज करते हैं तो हम रिएक्ट में क्लासेस यूज नहीं करते, हम क्लास नेम्स यूज करते हैं, जो एक्चुअली रिएक्ट का ऑल्टरनेटिव है क्लास यूज करने के लिए। तो हम अभी चलिए कार्ड क्लास नेम दे देते हैं, तो क्लास नेम ये और वो चला गया। तो अभी हम यहाँ पर स्टाइल शीट्स यूज करेंगे, तो स्टाइल शीट्स के लिए मैं कहूँगा लिंक इस टू सी एस एस। तो ये फॉलो लिंक करते थे और ये क्रिएट फाइल, और ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट फाइल कर देगा। फिर हमें यूज करना डॉट बी टी एन। तो अभी हमें बैकग्राउंड कलर देना है, तो अगर हम बैकग्राउंड कलर दें, मैं एक लीनियर ग्रेडियंट दूंगा, लीनियर ग्रेडियंट। ओके, तो हम बैकग्राउंड के साथ लीनियर ग्रेडियंट यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा ओके, तो यहाँ पर इसे पर्पल की तरफ लेके आते हैं और डन। तो बैकग्राउंड हमें मिल चुका लीनियर ग्रेडियंट। फिर हम देंगे बॉर्डर नन, फिर हम देंगे पैडिंग, पैडिंग होगा 15 पिक्सल, 32 पिक्सल। पैडिंग के बाद हम लेंगे फॉन्ट, वेट जो होगा 300, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। अब मैं दूंगा फिर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर के बाद हम लेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगा नन, टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद हम लेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और हमारा फोन साइज जो हम करेंगे 20 पिक्सल। तो अभी हम ये सेव करते हैं और हमारा कूल सा बटन आ चुका है। मे बी एक्चुअली मैं डायरेक्शन सेट कर सकता हूँ टू राइट। तो हाँ, तो अभी आप ये टू राइट पे हो रहा है, हम जैसे ही फोकस करें तो आप देख सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट टू राइट नन, सारे स्टाइलिंग्स हमने जो दिए थे अप्लाइड हो रहे। तो सक्सेसफुली हमने रिएक्ट में एक बटन स्टाइल कर लिया है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।